रामपुर में जनसभा से पूर्व पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाजी ने कहा कि प्रदेश में दो वरिष्ठ नेताओं के एक साथ होने से भाजपा बौखला गई है। उन्हें पता है कि हिमाचल के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने रामपुर में जनसभा से पूर्व पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में दो वरिष्ठ नेताओं के एक साथ होने से भाजपा बौखला गई है। उन्हें पता है कि हिमाचल के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री सिंघी राम के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पूर्व सिंघी राम आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी जमानत भी नहीं बची। वे अगर 6 बार विधायक बने हैं तो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कारण उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा के पीरा सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में जाने के बाद अनिल शर्मा को पार्टी से निकालने के लिए घबराहट हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनौती दी कि अगर दम है तो अनिल शर्मा को निकालकर स्वयं उनकी सीट से विधायक के चुनाव लड़कर देखें, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा के पीरा सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में जाने के बाद अनिल शर्मा को पार्टी से निकालने के लिए घबरा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनौती दी है कि अगर दम है तो अनिल शर्मा को निकालकर स्वयं उनकी सीट से विधायक के चुनाव लड़कर देखें, सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, अब ये निर्णय तो भाजपा का अपना है और भाजपा को निर्णय ले लेना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी कि अगर ये निर्णय ले तो जयराम ठाकुर जी स्वयं उस क्षेत्र से लड़े और देखे कि पंडित सुखराम जी की ताकत या कांग्रेस की ताकत क्या है और उनकी ताकत क्या है, और हम चुनौती दे दें।